हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक कमल फ्रॉम डॉक्टर ओम प्रकाश स्कूल ऑफ फार्मेसी, निसाई फरुखाबाद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोग्नोसी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड इट इज़ द सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड द क्लास इज डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द एंटी रूमेटिक ड्रग्स यानी गठियारोधी औषधियाँ। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले गुग्गुल की। तो इसका सिनोनिम्स होता है गुग्गुला, सलाइगोगिल, इंडियन डेलियम। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो गुग्गुल कॉमी फोरा विगटी यानी गुग्गुल जो है वो कॉमी फोरा विगटी नामक पौधे के तने में चीरा लगाकर यानी उसको इंसाइज कर देते हैं, चीरा लगा देते हैं, उससे जो गोंद के समान सिक्रीशन प्राप्त होता है यानी गमी एक्सुडेशन जो प्राप्त होता है दैट इज़ यूज फॉर एज अ गुग्गुल ड्रग। ओके, उसे जो है गुग्गुल ड्रग की तरह यूज करते हैं। फैमिली है बरसीरेसी, BURSERACEAE। नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफिकल सोर्स की। तो यह पौधा मूल रूप से भारतवर्ष में पाया जाता है और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह राजस्थान, असम, बंगाल, मैसूर प्रांत में तथा पाकिस्तान के सिंध तथा बलूचिस्तान में इसे उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो रंग इसका होता है पीला अथवा गाढ़ा भूरा, स्वाद इसका होता है तीखा, गंध होती है खुशबूदार या एरोमेटिक। फिर बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। तो गुग्गुल में ओलियो गम रेजिन पाया जाता है जिसमें 32% गम तथा 1.45% वोलाटाइल ऑयल होता है। गुग्गुल में गुग्गुल एस्टेरॉल फर्स्ट, गुग्गुल एस्टेरॉल सेकेंड, गुग्गुल एस्टेरॉल थर्ड और इसके अलावा गुग्गुल एस्टेरॉन पाया जाता है और इसमें सुक्रोज तथा फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होता है, एलाजिक एसिड होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ द गुग्गुल्स। गुग्गुल्स के उपयोग की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इसे एंटी रूमेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, इसे एज अ एंटी रूमेटिक ड्रग मतलब गठियारोधी। तो इसे गठिया तथा संधि शोथ यानी कि जोड़ों में अगर स्वेलिंग आ जाती है, रूमेटिक अर्थराइटिस, इसके अलावा आम बात है गाउट है, और ये तंत्रिका शोथ है यानी नर्व्स में अगर स्वेलिंग आ जा रही है, न्यूराइटिस, तो उसके उपचार में भी ये बहुत ही प्रभावकारी औषधि होती है। इसके अलावा जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको भी कम करने में काम आता है ये। इसके अलावा ये पाचक, भूख बढ़ाने तथा टॉनिक के रूप में उपयोगी है। इसके सेवन से ब्लड में क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यानी कि ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ, तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है जिससे क्या है कि फैगोसाइटोसिस उसकी बढ़ जाएगी यानी बैक्टीरिया के भक्षण करने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसको टॉन्सिलाइटिस, फारेंजाइटिस, थ्रोट अल्सर तथा एल्वियोलेरिस के उपचार में उपयोगी है। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाने पे इसका इस्तेमाल करते हैं, फारेंजाइटिस मतलब फारिंग्स में स्वेलिंग आ जा रही है, थ्रोट अल्सर इसी तरह। ठीक, नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉल्चिकम ड्रग। जो ये कॉल्चिकम सीड होते हैं तो सिनोनिम्स की बात करते हैं तो कॉल्चिकम कार्म, रेडिक्स कॉल्चसी, ऑटमन क्रोकस। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कॉल्चिकम ल्यूटियम नामक पौधे के ताजे या सूखे बीज अथवा कॉर्म होते हैं। कॉल्चिकम जो होता है ये कॉल्चिकम ल्यूटियम नामक पौधे के ताजे या सूखे बीज अथवा कॉर्म होते हैं। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली इसकी है लिलिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो कॉल्चिकम का पौधा मूल रूप से यूरोप तथा इंग्लैंड में पाया जाता है परंतु इसे वर्तमान में पोलैंड, यूगोस्लाविया, अमेरिका तथा भारत में उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका जो कॉर्म होता है उसका कलर होता है पीला, श्वेत यानी येलो टू वाइट, और गंध यानी अडर, तो ये अडरलेस होता है यानी गंधहीन होता है। स्वाद की बात करें तो ये तीखा होता है, बिटर टेस्ट होता है। लंबाई 3.5 से 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर, आकार जो होता है ये कोनिकल तथा एक सिरा उसका चपटा होता है यानी कोन की तरह होता है, तो इसका एक सिरा कोन शेप्ड होता है, दूसरा सिरा उसका चपटा होता है सीड का यानी सॉरी कॉर्म का। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्चिकम सीड की। तो रंग जो इसका होता है ये हल्का भूरा होता है, गंध यानी अडर जो इसका अडरलेस होता है, स्वाद तीखा होता है, आकार इसका अंडाकार अथवा ग्लोबुलर होता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कॉल्चिकम में कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिनिन, कॉल्चिकोरेजिन और स्टार्च ये बहुतायत पाए जाते हैं।
फिर बात करते हैं केमिकल टेस्ट की, तो कॉल्चिकम कॉर्म को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराने पर ये पीले रंग के हो जाते हैं। यह क्रिया इसलिए होती है कि कॉर्म में जो कॉल्चिसिन उपस्थित होता है, इस कारण ये पीले रंग का हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं उपयोग की, कॉल्चिकम सीड के उपयोग की बात करते हैं। तो कॉल्चिकम ये गठिया तथा गाउट में उपयोगी होता है। देखो गाउट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जोड़ों में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसके इलाज में ये प्रसिद्ध औषधि है। कृषि में यह क्या होता है, पॉलीप्लॉयडी, ये क्रिया ऐसी होती है जो मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या को बढ़ाने में या उनमें परिवर्तन करने में उपयोगी होता है, दैट इज द पॉलीप्लॉयडी। तो पॉलीप्लॉयडी को उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कॉल्चिकम सीड को। इसके अलावा इसे यूज एज अ एंटी कैंसर एजेंट, इसे एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं एंटी ट्यूमर ड्रग्स की, तो ट्यूमर रोधक औषधियाँ क्या हैं। ट्यूमर रोधक मतलब अब जो कैंसर रोधी औषधियाँ क्या हैं, जैसे विंका है, विंका को हमें पढ़ना है, तो विंका की बात करते हैं। विंका का सिनोनिम्स है विंका रोजिया, सदाबहार, कैथरेंथस, मेडागास्कर। ओके, नाउ बायोलॉजिकल सोर्स, तो विंका जो होता है ये कैथरेंथस रोजियस नामक पौधे से प्राप्त शुष्क एरियल पार्ट होता है, जो सूखा हुआ एरियल पार्ट होता है वो होता है। तो एरियल पार्ट में मोस्टली आते हैं स्टेम हो गया, फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, तो ये सब जो है एरियल पार्ट में आता है। ठीक है, फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली इसकी है एपोसाइनेसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात की जाए तो विंका का पौधा मूल रूप से मेडागास्कर टापू पर मिलता है, इसलिए इसका नाम मेडागास्कर भी कहा गया है, सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं। और इसे भारतवर्ष, अफ्रीका तथा यूरोप में भी उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो एरियल पार्ट में तना, पत्तियां तथा पुष्प उपस्थित होते हैं, जो कि हमने आपको बताया भी। स्टेम की बात करें तो यह बेस पर कैसा होता है, वुडी होता है, मतलब काष्ठी होता है, मतलब लकड़ी पाई जाती है बेस पर इसके स्टेम के, ठीक, आधार पे, निचले हिस्से पे। लीव्स की बात करें पत्तियों की, तो ये अंडाकार अथवा आयताकार होती हैं। इसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो पैना होता है यानी एक्यूट होता है, और जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है पत्तियों का, सीड्स यानी एपेक्स, तो वो कैसा होता है, गोलाकार यानी राउंडेड होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स जो होते हैं ये एक्जिलरी तथा गुच्छे में होते हैं, और रंग इनका होता है गुलाबी, बैंगनी अथवा लाल श्वेत कलर के होते हैं, गुलाबी बैंगनी अथवा लाल श्वेत कलर के होते हैं। अडर इसकी कैसी होती, विशेष यानी करेक्टरिस्टिक, तो इसकी गंध कैसी हो गई, करेक्टरिस्टिक। स्वाद की बात करें तो ये तीखा यानी बिटर होता है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें 90 टाइप के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, और इसे 2 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है मोनोमेरिक इंडोल अल्कलॉइड्स, तो इसमें एग्जांपल है विंडोलिन, कैथरेंथीन, अजमालिसिन, लोकेनेरिन, रेसरपीन और सरपेंटीन, और इसी तरह के कई सारे होते हैं जो मोनोमेरिक इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। फिर सेकेंड है डाईमेरिक इंडोल अल्कलॉइड्स, इसके एग्जाम्पल हैं विंडेसिन, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन। ओके, यूजेज की बात करें उपयोग की, तो विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन ये कैंसर के उपचार में उपयोगी औषधि है। विनक्रिस्टीन तथा विनब्लास्टीन कैंसर के उपचार में उपयोगी औषधि है। विनक्रिस्टीन बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है यानी ल्यूकीमिया, उसमें उपयोगी होता है, तथा विनब्लास्टीन जो होता है तो हॉस्किन तथा क्लोरियन एपिथेलियोमिया में उपयोग में लाई जाने वाली ड्रग है, और इसे डायबिटीज़ के उपचार में उपयोगी ड्रग है ये, मधुमेह के उपचार में। इसके अलावा बर्रे के दंश में, यानी कि ये पीले कलर का जो बर्र होता है, ये अगर दंश मार देता है, यानी वैस्प स्टिंग के ट्रीटमेंट में। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स, ये एक तरह की स्किन डिजीज होती है, यानी कुष्ठ रोग नाशक औषधियाँ हैं। तो इसमें हम लोगों को जानना है चौल मोगरा ऑयल के बारे में। ठीक है, ये एक तरह का तेल होता है जिसको जो है स्किन पे एक्सटर्नली अप्लाई करना होता है, और कुष्ठ रोग नाशक औषधि ये होती है। सिरोनिम्स इसका होता है हिडनोकार्पस ऑयल, गाइनोकार्डिया ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो चौल मोगरा ऑयल हिडनोकार्पस कुर्जी या हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिका या हिडनोकार्पस वैक्टियाना नामक पौधे के
परिपक्व बीजों को कोल्ड एक्सप्रेशन करके स्थिर तेल यानी फिक्स्ड ऑयल जो प्राप्त होता है वो होता है चौल मोगरा ऑयल। तो ये वैरायटीज़ हैं जो हिडनोकार्पस कुर्जी या हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिका या हिडनोकार्पस विगटियाना, तो इन सब के जो मैच्योर सीड्स होते हैं उनको कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड के द्वारा फिक्स्ड ऑयल निकाला जाता है, उसको जो है यूज करते हैं क्रूड ड्रग की तरह। फैमिली इसकी होती है फ्लैकोल्टियेसी, फैमिली इसकी क्या है फ्लैकोल्टियेसी। और फिर इसके जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये पौधा मुख्य रूप से बर्मा में पाया जाता है तथा इसे भारतवर्ष थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में भी उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो येलो या ब्राउनिश कलर का होता है, पीला अथवा भूरा। गंध इसकी कैसी होती है, विशेष तरह की गंध होती है। स्वाद इसका तीखा होता है यानी एक्रिड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हिडनोकार्पिक एसिड इसमें पाया जाता है, चौल मोगरिक एसिड पाया जाता है, गार्लिक एसिड पाया जाता है, पामिटिक एसिड पाया जाता है और ओलिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं यूजेज की यानी उपयोग की। तो चौल मोगरा का तेल कुष्ठ रोग तथा अन्य त्वचा के बुखारों में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा क्या है, सेकंड उपयोग इसका ये है कि जो हिडनोकार्पिक एसिड है और चौल मोगरिक एसिड है तो इनके जो डेरिवेटिव्स आजकल उपयोग में लाए जाते हैं उसके द्वारा ये ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी, एंटी डायबिटिक ड्रग्स, यानी कि मधुमेह नाशक डायबिटीज़ में प्रयोग होने वाली ड्रग है उसको बारे में जानेंगे। टेरोकार्पस है और जिम्निमा सिल्वेस्ट्री है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेरोकार्पस ड्रग की। तो इसका सिनोनिम्स है ईस्ट इंडियन किनो, मालाबार किनो, मद्रास किनो। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है कि टेरोकार्पस मार्सपियम नामक पौधे का जो लकड़ी का पार्ट होता है कास्ट का यानी वुड का, इसके अलावा जो दूसरे भाग से प्राप्त होने वाले पार्ट होते हैं उनका क्या करते हैं, वाटर के साथ एक्सट्रैक्शन निकालते हैं यानी जलीय निष्कर्षण, तो जो वो प्राप्त होता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फैमिली इसकी होती है लेग्यूमिनेसी, फैमिली इसकी है लेग्यूमिनेसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो यह मुख्य रूप से भारतवर्ष तथा श्रीलंका में उगाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की बात करें तो इसका रंग जो होता है काला होता है, गंध इसकी गंधहीन होती है, स्वाद एस्ट्रिंजेंट, दांतों के बीच ये चिपकता है और व्यास इसका होता है 3 से 5 मिलीमीटर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कीनोटैनिक एसिड यानी 70-80% पाया जाता है कीनोटैनिक एसिड, कैटिकॉल पाया जाता है और गैलिक एसिड पाया जाता है। यूजेज की बात करें तो उपयोग क्या है इसके कि यूज्ड एज अ एस्ट्रिंजेंट। इसके अलावा जो वुड है यानी लकड़ी का जो पार्ट है उसका काढ़ा बनाने पर यह मधुमेह में बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि है। टेरोकार्पस की पत्तियाँ बाह्य रूप से यानी स्किन में बाह्य रूप से लगाई जाती है जिससे ये स्किन में होने वाली डिजीज़ में बहुत ही उपयोगी होता है, यानी टेरोकार्पस की पत्तियाँ बाह्य रूप में चर्म रोगों में उपयोगी हैं। इसके अलावा जो इसका फ्लावर होता है तो ये बुखार के उपचार में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड क्रूड ड्रग जिम्निमा सिल्वेस्ट्री विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज या मेंटेन द लेवल ऑफ द ग्लूकोज। तो इसकी बात करते हैं जिम्निमा सिल्वेस्ट्री की। तो इसका सिनोनिम्स है गुरमार एस्क्लेपियाज, गुरमार है और एस्क्लेपियाज है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो गुरमार जो होता है ये जिम्निमा सिल्वेस्टर या कह लीजिए जिम्निमा सिल्वेस्ट्री जो है तो ये जिम्निमा सिल्वेस्टर नामक पौधे से प्राप्त शुष्क पत्तियाँ होती हैं यानी ड्राइड लीव्स इस्तेमाल की जाती हैं। फैमिली क्या होती है एस्क्लेपिडिएसी, फैमिली इसकी क्या होती है एस्क्लेपिडिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इसमें भी वही सेम पार्ट है कि यह एक वुडी आरोही पौधा होता है यानी लकड़ी नुमा पार्ट होता है, लकड़ी का पौधा होता है, लकड़ी तो पाई जाएगी, वुड पाया जाएगा और ये बढ़ने वाला पौधा होता है आरोही ऊपर की तरफ, जिसे आजकल नहीं उगाया जाता है। पत्तियाँ इसकी कैसी होती हैं, कलर होता है इसका गाढ़े हरे रंग का, लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, आकार इसका होता है अंडाकार। इसके अलावा जो इसके पुष्प होते हैं यानी फ्लावर होते हैं वो आकार में छोटे तथा पीले रंग के होते हैं। और बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसमें जिम्निमिक एसिड पाया जाता है, अल्फा तथा बीटा क्लोरोफिल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है,
फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की, तो मधुमेह के उपचार में यानी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में उपयोगी है, खांसी के उपचार में, इसके अलावा हृदय तथा परिसंचरण तंत्र को उत्तेजित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं डाययूरेटिक्स की, तो डाययूरेटिक्स की बात करते हैं यानी मूत्राल औषधियाँ जो क्या करती हैं, जो कि यूरिनेशन को बढ़ाती हैं, यूरिनेशन को बढ़ा देती हैं, है ना, टॉयलेट मतलब जाने की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स ड्रग की बात करते हैं तो इसमें क्रूड ड्रग है गोखरू, गोखरू की बात करते हैं तो भारतवर्ष में पाया जाने वाला जो गोखरू होता है वो दो टाइप का होता है, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। तो हमें अपने कोर्स में पढ़ना है छोटा गोखरू। तो बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो छोटा गोखरू ट्रेबुलस टेरेस्ट्रिक नामक पौधे से प्राप्त शुष्क तथा परिपक्व फल होते हैं। फैमिली इसकी होती है जाइगोफाइलेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो गोखरू भारत में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, श्रीलंका तथा अफ्रीका में पाया जाता है। भारत में ये राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, इसके अलावा ये श्रीलंका तथा अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो रंग इसका पीला होता है, आकार अंडाकार होता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की यानी रासायनिक तत्व की, तो इसमें डायोसजेनिन पाया जाता है, स्टेरॉयडल पाया जाता है, स्टेरॉयडल सेपोनिन पाया जाता है और इसमें फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड होते हैं। यूजेज की बात करें तो गोखरू जो होता है ये डाययूरेटिक तथा टॉनिक के रूप में उपयोगी है और ये पथरी के उपचार में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, कैलकुलस अफेक्शंस और ये गुर्दे के विकारों तथा जोड़ों के दर्द में उपयोगी औषधि है, ठीक है। तो ये हमने जाना डाययूरेटिक्स कैटेगरी के बारे में, एंटी डायबिटिक कैटेगरी के बारे में और इसके अलावा हम लोगों ने पहले के पार्ट थे उनके बारे में भी जाना, ठीक है। तो ये आज का था, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।